पाकिस्तान राय हक पार्टी के चेयरमैन पीर मोहम्मद इब्राहिम कासमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पार्टी ने कहा कि सूदी निज़ाम और चोर बाजारी मुल्क को लूटने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी हो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का जारी रखा जाए। इस्लाम में और दूसरे मुल्कों में करप्शन के खिलाफ सख्त सजाएं या सजाएं मौत है, हमारे मुल्क को लूटने वालों को भी यही सजाएं दी जाएं। मज़ीद जानते हैं सहाफियों से बात करते हुए चेयरमैन पार्टी ने किन ख्यालात का इजहार किया। मुल्क को जिस नज़रिए पर बनाया गया है उस नज़रिए की बरकत से इंशाअल्लाह मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा और अल्लाह खैर करेगा जी। पाकिस्तान जो हक पार्टी, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि एक तो निज़ाम की तब्दीली का मसला है, निज़ाम को देखा जाए, निज़ाम तब्दील होगा तो इंशाअल्लाह मुल्क डिफॉल्ट से बच जाएगा। दूसरा ये कि हमने तरतीब पार्टी का जो मंशूर कि उसमें हमने जगह जगह इंडस्ट्रीज कायम करने हैं तो इंशाअल्लाह मामला खुद ब खुद इंशाअल्लाह हल होंगे इंशाअल्लाह। जितने भी गैर मुल्की है हम सब की बात करते हैं कि जो भी जिस जुर्म में भी मुलव्वस हो उसको सजा दिया जाए, उसकी हिमायत कोई नहीं करता। और अगर कोई गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है तो उसको आलमी कवानीन के मुताबिक निकाला जाए। बिल्कुल हम समझते हैं कि उसमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल है और गैर मुल्की भी शामिल है, उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई किया जाए। शुक्रिया।